खरगोन जिला मुख्यालय में समाज की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य को लेकर आदिवासी बारेला समाज द्वारा प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन संपन्न कराया, जिसके चलते समाज में 10वीं और 12वीं क्लास में अव्वल आने वाले बच्चों को मंच से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में करीब सैकड़ों प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया और उन्हें नई दिशा देने की कोशिश की गई। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक रवि जोशी, भिकनगांव विधायक झुमा सोलंकी भी मौजूद रही, जिन्होंने अपने वक्तव्य पेश किए। समाज के अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा करते बताया कि विगत 8 वर्षों से समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे उत्कृष्ट प्रदर्शन करके सहभागिता निभाते हैं। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। 2011 से बारेला समाज सेवा समिति द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में अनेकों प्रतिभाएं हैं जिनको निखारने की आवश्यकता है, जिनको मंच देने की आवश्यकता है, जिनको दिशा देने की आवश्यकता है, जिससे कि वो आगे निरंतर अपनी मनचाहे मंजिल पर पहुँच सके, अपना लक्ष्य कर सकें। इस दिशा में हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और यहाँ तक कि हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, निरंतर परिवर्तन का दौर है। परिवर्तन के दौर में आदिवासियों की संस्कृति भी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। हमारी कोशिश ये है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी मर्यादाएं, सभ्यताएं बनी रहे, इसलिए हम निरंतर पिछले 8 साल से ये आयोजन करते आए हैं। इस वर्ष समाज के लगभग 200 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। हमें गर्व है कि इस वर्ष 10 छात्र ऐसे थे जिन्होंने 90% से अधिक अंक हासिल किए। 10वीं में 12वीं में 5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 90% से अधिक अंक हासिल किए। ये अपने आप में एक कीर्तिमान है, एक अपने आप में इतिहास है। ऐसा हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे रहते हैं, विषम परिस्थितियों में रहते हैं, संकटों में रहते हैं, उसके बाद भी इतने अच्छे अंक हासिल करना अपने आप में एक गौरव है, एक हमारे लिए सम्मान की बात है। Thank you.